ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, है नरगिस खास शारों का, हाँ तू तो संधि वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू तो संधि वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं,
अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार का इनाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम। हम करूँ तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं, गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं। हम करूँ तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं, गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं, गाऊँ शुक्र गुजारी से मैं। जसवीना मल, आज आप के साथ मेडिसिन को लेकर कुछ बातें दोहराने जा रही हूँ। सेहत संबंधी आम समस्याओं के इलाज के लिए अक्सर लोग बगैर डॉक्टर की सलाह लिए खुद ही दवाई ले लेते हैं। इससे बीमारी का सही इलाज देर से शुरू होता है और कई बार बीमारी पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाती। यह आदत कितनी जानलेवा हो सकती है? इसका कई बार मरीजों को तब पता चलता है जब इसके साइड इफेक्ट्स उसके शरीर को अंदर से पूरी तरह खराब कर चुके होते हैं। हो सकता है कि आपको किसी दवा से एलर्जी हो या कोई साल्ट आपको सूट ना करे। ऐसी स्थिति में टॉक्सिस रिएक्शन हो सकता है जो कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। मार्केट में कुछ ऐसी दवाएं आज भी मौजूद हैं जिनके खतरनाक साइड इफेक्ट होने के कारण उन पर विदेशों ने पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही हैं। इन दवाओं का बिना जानकारी खुद इस्तेमाल करना आपकी समस्याओं में बढ़ोतरी ही करेगा। कोई भी व्यक्ति खुद दवा की मात्रा, उसका असर, उसके साइड इफेक्ट्स जान नहीं सकता। केवल डॉक्टर ही यह काम सही ढंग से कर सकता है। किसी व्यक्ति की डोज दूसरे के लिए ओवरडोज हो सकती है। कई बार डॉक्टर के पुराने प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई ले लेते हैं, लेकिन यदि आप एक ही मेडिसिन लेते रहेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और अगली बार ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अपनी मर्जी से कुछ दवाएं एक साथ लेते हैं तो ड्रग्स कॉम्बिनेशन गलत हो सकता है, जो कि घातक साबित हो सकता है। सबसे ज़्यादा पेन किलर्स का दुरुपयोग होता है। किसी भी तरह का दर्द होने पर व्यक्ति तुरंत कोई दवा ले लेता है। ज़्यादा पेन किलर्स के इस्तेमाल से किडनियों को नुकसान होता है और कई तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। डॉक्टर ने जितने समय तक दवाई लेने की हिदायत दी है, उतना समय दवाई लेने के बाद चेकअप जरूर करवाएं। इस प्रकार अगर हो सके तो पहले तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मेडिकेशन के बगैर ही कोई ना कोई उपाय किया जा सके। ज़्यादातर इन दवाइयों को इग्नोर करना चाहिए। सिर्फ खास ज़रूरत पड़ने पर ही सही मेडिसिन, सही सलाह और सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए,
ताकि हमारी तंदुरुस्ती कायम रहे। परमेश्वर आप सब सुनने वालों को तंदुरुस्ती बख्शे, आमीन। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। और हाँ श्रोताओ, आप हमारे वेबसाइट पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.vophealth.org। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। प्रभु शरण जगत तम नाशक विद्युत, जगत तम नाशक विद्युत, अनाथ के नाथा तब रूप दर्शा दे, दे प्रभु देइए। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार, खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार, अपने लहू से धो धो दे मसीहा, तू धो धो प्रभु धोइए। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। मन ना भावत दुष्ट वास ना धावत, सत्य मन ना भावत दुष्ट वास ना धावत, पुनर्जन्म दाता अपना मन मुझे दे दे, दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रय परमेश्वर।
परमेश्वर परम पवित्र त्रय परमेश्वर विश्व के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। जो व्यक्ति ईश्वर नहीं है, यदि वो पाप क्षमा करने के हक पर दावा करे तो वो ईश्वर की निंदा कहा जा सकता है। पशु के बारे में कहा गया है कि उसके सिर पर निंदा का नाम है, प्रकाशित वाक 13:1, जो इस शक्ति के नेता है। वे अपने आप को ईश्वर होने का दावा करते हैं और पाप क्षमा करने के अधिकार का दावा करते हैं। उसको अजगर ने अपना बल, अपना सिंहासन, अपना अधिकार दिया है। प्रकाशित वाक 13:2 ये स्पष्ट है कि पशु अजगर से सिंहासन और महाअधिकार प्राप्त करता है। तो अजगर कौन है? वो यहां है और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर हजारों वर्ष के लिए बांधा। प्रकाशवाद 20:2, वो अजगर शैतान है। इसके आगे लिखा कि एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे, उसके उसके सिरों पर मुकुट थे, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जन्म देना चाहती थी खड़ा हुआ, जब जन्म दे तो उसके बच्चे को निगल जाए। और उसने बेटे को जन्म दिया जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था। उसका बच्चा तुरंत परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास पहुंच गया। कुछ वर्ष पहले शिकागो शहर के एक मनुष्य ने अपने आप को उस बालक होने का दावा किया। क्या वही वो बालक है? प्रकाशित वाक 19:15-16 वचन में लिखा है, वो बालक प्रवीषु है, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अतः अजगर न केवल शैतान को प्रकट करता है परंतु एक राज को भी, जिसके द्वारा शैतान ने बालक यीशु के जन्म होते ही उसे मरवा डालने का प्रयास किया। तो कौन सा राज था जिसके राजा ने बैतलहम के बच्चों की हत्या करने की आज्ञा जारी की थी? वो राजा हेरोद था। रोमी राज द्वारा नियुक्त किया गया था, उसी का प्रतिनिधि भी था। ये एक और पहचान है कि यह पशु अपने शक्ति से सिंहासन और अधिकार रोम से प्राप्त करता है। अब स्पष्ट होता जा रहा है अजगर रोम को प्रकट करता है। रोमी राज ही था जिसको शैतान ने
मुक्तिदाता की हत्या कराने के लिए व्यवहार किया था। अब आगे और देखिए, अजगर के 10 सिंह थे। सिंह पशुओं के सिर से निकलता है। आपको याद होगा कि सिंह एक राजा को दिखलाता है। जब ऐसी राज का पतन हो गया तो 10 हिस्सों में बढ़ गया। जंगली जाति के लोग रोमी राज पर बार बार वर्षों तक हमला करते रहे। अंत में रोम का पतन होकर 10 टुकड़ों में विभाजित हो गया। 10 राजा राज करने लगे। वे थे अल्मनी, फ्रैंक्स, वर्गडियंस, स्वेसी, एंग्लो सैक्सन, विसिगोथ, लंबार्ड, वेंडाल्स, ऑस्ट्रोगोथ और हेरुली। हम देखेंगे इन 10 राजाओं के अलग अलग देश थे। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन, इटली। इन अंतिम 3 को रोम के पोप ने नष्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने मसीही धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया। सम्राट जस्टिनियन की सेना ने पोप के सहयोग से ऑस्ट्रोगोथ को रोम नगर से खदेड़ दिया। वे लोग विलोप हो गए। 538 ईस्वी में जब सम्राट ने अध्यादेश जारी कर पोप को सब कलीसियाओं का प्रमुख बना दिया तो पोप ने रोम नगर को अपने अधिकार में कर लिया। रोम के 10 टुकड़े अजगर के 10 सिंह हैं। प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये न केवल एक राजनीतिक शक्ति है परंतु एक धार्मिक शक्ति भी है। ये सबसे पूजा की मांग करता है और उसे पूजा मिलती भी है। ये एक विश्वव्यापी शक्ति है। सारी पृथ्वी आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो गई। प्रकाशित वाक्य 13:3, शायद अब आप जान गए होंगे ये पशु कौन है। क्या आप किसी ऐसी राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसके ऊपर एक मनुष्य प्रमुख बनकर पृथ्वी पर परमेश्वर होने का एवं पाप क्षमा करने के अधिकार का दावा करता है? किसने रोम से सिंहासन और अधिकार ले लिया? ये कौन एक कलीसिया है या सरकार है जिसके प्रमुख के पीछे आश्चर्यचकित हो सारा संसार चल रहा है? अब मैं कुछ कहने जा रहा हूं जो अत्यंत विशेष है। देखिए, कारण यह है क्यों परमेश्वर इस पशु के विरुद्ध इतने कड़े शब्दों में कहता है, क्योंकि वह मनुष्य से प्रेम करता है। उसका प्रेम सबके लिए है। मित्रों, ये आपसे प्रेम करता है। वो जानता है कि जो मनुष्य इस शक्ति का पीछा करेगा, उसकी छाप लेगा, वो कभी भी आनंदित नहीं रह सकता। प्रकाशित वाक्य 14:11 में लिखा है, बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम सब उसकी आवाज को सुने। और बाइबल हमसे कहती है उसकी पीड़ा और धुआं युगानुयुग बढ़ता रहेगा और जो लोग उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप, उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। इस शक्ति को पीछा करने से कदापि चैन नहीं मिल सकता। मेरे मित्रों, मैं चाहूंगा आप हमें पत्र लिखें। हम आपकी सहायता करेंगे कि आप बाइबल के उस छिपे हुए महान रहस्य को समझ सके। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तू भैंसवाणी का परमेश्वर है। तूने बहुत सी भैंसवाणियों को अपने बाइबल में प्रकट किया है। तो हमें समझने का ज्ञान दे ताकि हम समझ सकें और तेरी रास्तों पर चल सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morris@awr
morrisarr@gmail.com morrisarr@gmail.com। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। प्रभु शरण जगत तम नाशक विद्युत, जगत तम नाशक विद्युत। अनाथ के नाथा तब रूप दर्शा दे, दे प्रभु दे ये। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, श्रोताओ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।